नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। महाराज जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि सबसे पहले आपके इष्ट कौन है? वैसे तो हमारे इष्ट हम राधा स्वामी पंथ को मानने वाले स्वामी जी महाराज को मानते हैं, जिन्होंने राधा स्वामी नाम को प्रकट किया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हम गुरु को मानते हैं, क्योंकि हमें जो नाम या परमात्मा की भक्ति का रास्ता मिला वो हमारे गुरु से मिला है, इसलिए आराध्य गुरु हैं। और जो तरीका हमें बताया जाता है उसकी साधना करने के लिए हम अपने गुरु को ही इष्ट मानते हुए अपने राधा स्वामी दयाल की भक्ति करते हैं। यहाँ एक और आपसे जानना चाहूँगी क्वेश्चन मैम कि क्या आपके पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? जी हाँ, हमारे पंथ राधा स्वामी नाम कहो या पंथ कहो, इसका प्रकाट्य या शुरुआत प्रारंभ आगरा से हुआ है। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज जिन्होंने इस नाम को प्रकट किया, राधा स्वामी नाम उन्होंने ही चलाया और सन 1861 में आम लोगों के लिए सत्संग जारी किया और उसी के बाद में ही राधा स्वामी नाम का प्रचार और प्रसार हुआ है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे ओए। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। अब यू 5 मिनट का और सत्संग कंपलसरी हो गया। ये दिखाता हूं कि ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक भूत बन गया इस गलत साधना के करने से। और परमात्मा ने ये सच्ची बात, ये अमृतवाणी लिख रखी है परमात्मा की महिमा के, सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान और ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक खुद भूत बना हुआ है तो अन्य की के दुर्दशा होगी, ये हिसाब लगा लेना। देखिएगा, ये है राधा स्वामी दयाल की दया जीवन चरित्र। हजूर स्वामी जी महाराज लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे, लेखक प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार सुरक्षित प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। अब ये हैं वो परम धनी शिवदयाल जी, परम पुरुष और पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। मुद्रक है अर्पण पेंट्री राधा स्वामी चैम्बर्स भालेज रोड आनंद, इसके 78 पृष्ठ पर है। उन आत्माओं कलेजा ले जागा जरा से अभी होश में होंगे, ये राधा स्वामी वाले बाजाओगे जब छोड़ गए इसने। 71 वचन 78 पृष्ठ पर। अब बुक्की जी का जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता। ये सिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन महाराज जी स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियां का करते थे तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, आंसू बार बार टपकते थे, क्योंकि इस बुकिंग पहले भूत था कोई रहते थे। और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, हुक्का पीते थे स्वामी जी, ये तो पार तो होने थे, फिर ये हुक्का भी हो देते भूत बनने थे। फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कुछ कथा कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वालों से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो,
उस प्यासी को मत हटाओ अपनी आत्मा। और थोड़ा सा आप कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ये राधा स्वामी आले के क्या करें श्रद्धालु के पूर्ण संत की पहचान है वो चरण नहीं छुआता। ये दंत कथा ही बना ली कि उनका बैठा हुआ एक 2 किलोमीटर दूर कोई नजदीक जा नहीं सकता क्योंकि वहां थोक के भाव में चलेगी बोली आत्माएं। और ये इनका परम धनी चरण छुआवे माथा टेक क्या करते इसके चरणों में, तो इसका मतलब ये पूर्ण था ही नहीं आपकी डेफिनेशन के आधार से। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं संत की। देखिएगा, जब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और इस प्यासी को मत हटाओ, और वह बयान किया करती थी मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी और बहुत गहरे नंदाई नवे उस पड़ी रहती करती भजन। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था, आधार वो उन्हें दिखाया करते सामने, और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी की मृत्यु होगी उसके बाद और दो दो दिन हजरत हजूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, और सुरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। 80 पृष्ठ पर करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। तब सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे, तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। के करा करती पहले स्वामी जी का हुक्का भरा करती और रोटी खुआया करती है तो, और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग त्यार करती थी। और लेखक कहता है कि मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर से माफिक पलंग बिछाती हुक्का भरती थी उस भूत की खातिर, और वो भूत बुक्की में थाए वह रोटी बनावे हुक्का भरे और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेस्तर सेवा किया करती थी उसका जिंदा जी हुक्का भर कर प्याया करती थी, कहते उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल करते थे। ओ भूत बुक्की में बढ़कर हुक्का पीवा था और बढ़िया माल खाओ था। स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल कर फरमाते थे। और सतलोक चले गए फिर हुक्का पीना थे वह तेरा गजब भैया, जैसे कि अंतर ध्यान होने के पेशतर करते थे, यानी मृत्यु से पहले जिस तरह हुक्का पिया करते रोटी खा करते उनकी बनाई हुई, इसी प्रकार वह बुक्की पलंग पर बैठे उसमें वो भूत हुक्का रोटी खावा पहले और फिर हुक्का पीवे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, यानी उसका माँ भूत आखिरी सांस तक रहा। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफात कर लिया करते थे। अब बुक्की का आगे बोला करते बुक्की भूत था वो उसके प्रश्नों का उत्तर दे देता। यहाँ दिखा दो कह रहा कितने बोलो बुक्की की दाड़, यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस न्याजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, कहते जब मेरे आपत्ति आ जाती, लेखक कह रहा उसका छोटा भाई शिवदाल जी का प्रताप सिंह जी के, जब मेरे पर कोई भीड़ पड़ जाती थी मेरे ऊपर कोई आपत्ति आ जाती थी तो मेरी अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था, यानी उसका कहता था मुझे यह आपत्ति आ गई और भूत बोल का बताया करता था बुक्की में। और जैसा हुक्म होता था वो भूत जो आदेश देता था बुक्की में उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। जय हो बुक्की की और गिल है इनके गुरु जी की जो भूतपन के इसमें हुक्का पाड़ा रीपती चुरमे मांगे। एक भगत कह रहा था जी मेरा चाचा राधा स्वामी था को 20-25 साल थे और 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम चादर डाल के ऊपर और कती टस से मस नहीं होया करता और हुक्का पिया करता और चुरमा खान का गणा लाड़ा था वो
तुरमा बहुत खाता था, उसकी मृत्यु होगी। फिर वो अपनी पुत्र व दुमा का बोलन लग गया और एकादा ऐसा भविष्य की वाणी भी कर देता था, वो हमारी साची हो जाती थी। लेकिन वो तंग गणा करे था उस पुत्र वधु को, काम नहीं करने दे, सारा दिन वह लोटी रहे पड़ी रहे और उठते चुरमा मांगे, फिर हुक्का पीवे। अब रोज चुरमा कितने लाओ उसके लिए। फिर कई जगह इलाज कराने की चेष्टा की, नई बात बनी, कहते हैं आपका उपदेश दिलवाया उस पुत्र वधु ते, जब हमारे परिवार का पीछा छूटा चाचा भूत ते। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही ये शिवदयाल जी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम करनैल दास है जी। करनैल दास जी कहाँ से आए हो? मैं डेरा बसी तहसील पिंड मलाला से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मेरा जो जन्म है सिख परिवार में ही हुआ जी। मेरे जो ग्रैंड फादर है वो भी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे, उसके बाद जो मेरे फादर साहब है वो भी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे, और मैंने भी गुरु ग्रंथ साहब के काफ़ी पाठ किए हैं, और मैंने जो पंजा बाणियाँ का नितनेम वगैरह ये सारा मैंने 3-4 साल लगातार किया है। उसके बाद सर मेरे को राधा स्वामी मत के बारे में पता चला कि पहले तो हमारे तो सिख मत में यही बोलते थे कि गुरु ग्रंथ साहब से अलावा किसी को गुरु नहीं मानना है। फिर मेरे को राधा स्वामी मत का ज्ञान मिला, उसमें पता चला कि जो गुरु है वो होना जरूरी है, संत मतलब जो जैसे संत रूप में जो गुरु होना जरूरी है। फिर मैंने राधा स्वामी मत का ज्ञान पढ़ा, उसके बाद मैंने 1986 में 9 अप्रैल 1986 में महाराज चरण सिंह से नामदान ब्यास जाके नामदान लिया जी। फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी भक्ति की, मैंने 10 साल उनके लगातार सत्संग भी किए हैं, स्टेजों के ऊपर बैठ के सत्संग किए, लोगों को समझाते थे कि ये जो ज्ञान है संत मत ये है जी। सर आपने जो बाबा चरण सिंह जी से नाम लिया था उन्होंने आपको क्या भक्ति साधनाएं बताई? उन्होंने जी हमारे को 5 नाम बताए थे जी, ज्योत नरंजन ओंकार अरंकार सोहंग सतनाम, ये 5 नाम की भक्ति बताते थे कि आपने 2.5 घंटे ये डेली इसका जो आपने बैठ के सिमरन करना, 1/2 घंटा आपने शब्द सुननी है और 2 घंटे आपने 5 नाम का जो सिमरन है ये करना है। सर आपको जो भक्ति साधनाएं बताई गई क्या इसका कोई शास्त्रों में प्रमाण है? इसका सर कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि ये तो हम जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो इन्होंने बताया कि 5 नाम काल के हैं, तुलसीदास दास की घट रामायण जो उसमें साफ लिखा हो कि 5 नाम काल के जानो। फिर कबीर साहब ने भी अपनी बाणी में लिखा है कि 5 शब्द की आशा में सर्वसमूल गवाया, कि ये जो 5 नाम है काल के नाम है ये कोई भक्ति नहीं है जी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे हूँ, मेरे को ज्ञान गंगा किताब पढ़ने को मिली है जी। ज्ञान गंगा किताब पढ़ के जब मैंने देखा, प्रमाण देखे, सभी कुछ मिलाया, देखा कि असली जो भक्ति है शास्त्रों के अनुसार ये भक्ति है, वो किताब पढ़ने के बाद मेरे को ज्ञान होया। और फिर मैंने 28 सितंबर 2014 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके बरवाला आश्रम में नामदान लिया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद सबसे पहले को हमारे को ये दृढ़ निश्चय हो गया कि जो ये जन्म मरण का चक्कर है, ये जो 84 लाख जन्मों के भुगतने के बाद इंसान का जन्म मिलता है, इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए ये जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति है इसी से हम यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी बात, मेरे को ये सर एक्सीडेंट हो गया था, मैं ड्यूटी पे जा रहा था, ऐसे हुआ कि जब मेरा एक्सीडेंट होया जी, एक्सीडेंट होने के बाद मेरा मोटरसाइकिल पूरा टूट गया। उसके बाद जैसे ही मेरा एक्सीडेंट होया तो मैं 6-7 फुट ऊपर उठा दिया, ऐसे मतलब 6-7 फुट ऊपर गया हूँ। ऊपर होने के बाद मेरे को ऐसे लगा परमात्मा ने मेरे को ऐसे गोद में उठा के ऐसे सड़क के किनारे लगा दिए, ना मेरा कोई सिर लगा रोड के ऊपर, वहाँ के कम से कम 20-50 बंदे इकट्ठे हो गए, तो बोलते कि बंदे को ये मर जाएगा बचेगा नहीं है। उसके बाद मेरे को गुरु महाराज जी ने ऐसे उठाया और साथ में ये थोड़ा सा फ्रैक्चर मेरा हड्डी लगा दी है, यहाँ फ्रैक्चर हो गया। फिर मेरे को बत्ती हॉस्पिटल चंडीगढ़ में मैंने आपके बच्चों को फ़ोन किया, वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में मेरे को लेके गई। रात को डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया, डॉक्टर पहले बोलने लगा कि आपको ऑपरेशन होएगा। उसके बाद सुबह जब दूसरा डॉक्टर आया उसने रिपोर्ट देखी, बोलता कि ऑपरेशन की कोई लोड़ नहीं, आप ऐसे करो बेल्ट लगा के रखो। फिर मैंने 2 महीने बेल्ट लगा के रखा। फिर मैंने प्राइवेट भी वो सिटी स्कैन दिखाया, प्राइवेट वाले भी यही बोलने लगे कि आपको कम से कम 99% तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज की दया से वो मैंने बेल्ट लगाने से मेरी जो हड्डी है बिल्कुल सेट हो गई और मेरे को भी कोई तकलीफ नहीं है इस टाइम। उसके बाद सर मेरे को
जो आर्थिक लाभ हुए, आर्थिक लाभ ये है कि जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं ड्यूटी करता था, मेरी प्राइवेट जॉब है सिक्योरिटी, गनमैन की सिक्योरिटी में ड्यूटी करता था मैं सर। 2 महीने घर में ही रहा हूँ, 1 महीना मेरे को वहाँ पे लगा हुआ था, सिर्फ मेरा ESI का कार्ड बना था। उसमें ESI में ये है कि जब तक आपके 240 दिन पूरे नहीं होते तो आपको ESI का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद भी मेरे को ESI का जो मैनेजर आया वहाँ जहाँ एक्सीडेंट होया, वो देखा कि आपका एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, एक्सीडेंट रिपोर्ट बना के दी। हर एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाने के बाद 3 महीने के बाद मेरे को 27,000 रुपये का चेक है जो ESI वाले ने काट के दिया। इसकी मेरे को कापी घर में पड़ी है, मैं आपको कापी की एंट्री भी दिखा सकता हूँ कि मेरे को 27,000 रुपये का चेक गवर्नमेंट की ESI की तरफ से मिला, जबकि 8 महीने से पहले ये बेनिफिट नहीं मिलता है जी। सबसे पहले ये मेरे को लाभ हुआ जी। उसके बाद दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ कि मेरा बच्चा भी, मेरा लड़का है, उसने सिक्योरिटी में 6 महीने काम किया था जी। 6 महीने काम करने के बाद हमारा प्रोविडेंट फंड कटता है, 6 महीने में उसका 3,000 रुपये फंड कटा, 500 रुपया महीना कटता था फंड। उसके साथ ही दूसरा एक लड़का और लग रहा था, उसका भी 500 रुपये फंड कटता था। मेरे लड़के ने 6 महीने लगाए, दूसरा जो लड़का था उसने 1.5 साल उसे सिक्योरिटी में लगाया। जब हमने PF का फॉर्म भरा तो PF में जो मेरे लड़के का PF प्रोविडेंट फंड था वो 29,000 रुपये आया, जबकि 3,000 का डबल 6,000 आना चाहिए था, वो 29,000 रुपये आया। और जो लड़का 1.5 साल काम कर रहा था उसका लड़के का 25,000 रुपये आया। ये भी मेरे पास प्रूफ है और एंट्री है कापी में सब। उसके बाद ये सारे अध्यात्मिक लाभ हुए हैं मेरे को, आर्थिक लाभ जो हुए हैं। सर आप महाराज चरण सिंह जी के आश्रम में गए, वहाँ पर आपने 10-15 साल तक उनकी भक्ति की, फिर आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आए। सर जहाँ से आप पहले जुड़े थे बाबा चरण सिंह जी महाराज से और सतलोक आश्रम बरवाला की व्यवस्था में आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? इसमें सर ये भिन्नता है, जब हम राधा स्वामी डेरा ब्यास में जाते थे सबसे पहले तो वहाँ पे कि ये है कि जो लंगर है वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए अलग लंगर है, वहाँ पे जो पैसे बड़े लोग हैं उनके लिए अलग कंटीनें बनी हुई है कि जिसके पास पैसा वो बढ़िया भोजन कर सकता है। जबकि संत महाराज, गुरु महाराज रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ये ऐसा नहीं है, वहाँ पर चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है सभी एक ही लाइन में बैठ के लंगर चखते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम महाराज चरण सिंह के दर्शनों के लिए जाते थे वहाँ पे जो VIP बंदे थे उनको कार्ड मिलता था, उनको उनके लिए अलग लाइन लगती थी और जो आम लोग हैं उनके लिए अलग लाइन लगती थी। जबकि गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ऐसा नहीं, वहाँ पर चाहे कोई अमीर आता है चाहे कोई VIP है सभी लाइन में लग के दर्शन करते हैं। सबसे बड़ी भिन्नता ये हमारे को नज़र आई है उसमें। जैसे हम ब्यास जाते थे वहाँ हमारे को बिस्तरा भी ले जाना पड़ता था, साबुन तेल भी ले जाना पड़ता था। जैसे ही हम गुरु महाराज के सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे वहाँ हमारे को बिस्तरा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही साबुन तेल ले जाने की जरूरत पड़ी। वहाँ पे हर एक चीज़ जो फ्री ऑफ कास्ट आश्रम की तरफ से भक्तों को मिलती है। सर आप पंजाब की धरती से बिलोंग करते हैं, सर पंजाब की धरती को गुरुओं की भूमि भी कहा जाता है और गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणियों में गुरु की बहुत महिमा गाई है, और आपने पहले राधा स्वामी पंथ के संत श्री चरण सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। सर क्या आपको लगता नहीं कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं सर ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में लिखा है जब तक गुरु मिले ना साचा चाहे करो 10 चाहे करो 50। वैसे भी हम दुनियादारी के तौर पे भी अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर एक डॉक्टर से हमारे को आराम नहीं मिलता है तो स्वभाव कह के हमारे को दूसरा डॉक्टर बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को वहाँ से आराम नहीं हो रहा उसी के ऊपर अरूढ़ रहेंगे तो ये तो समझदारी की बात नहीं। हर कोई बंदा सोचेगा कि अगर आपको यहाँ आराम नहीं आ रहा है तो आप दूसरे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ जहाँ से आपको आराम होता है। ऐसे ही सर ये अध्यात्मिक मार्ग है, जब हम वहाँ से हमारे को चरण सिंह से नामदान लिया कोई लाभ नहीं मिला, और जैसे ही हमने गुरु महाराज का ज्ञान सुना और इनका उपदेश सुना उसके अनुसार फिर हमने भक्ति की, भक्ति के अनुसार हमारे को जो पहले 27 साल वहाँ पर जाते रहे कोई लाभ नहीं हुआ, अब हमारे को तकरीबन 1.5 साल का करीब हुआ, 2014 में हमारे को नामदान मिला था, 1.5 साल के करीब हमारे को परमात्मा ने दया करी है, घर में भी सुख शांति है। उसके बाद सर मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे ही मैं गुरु महाराज जी से नामदान लेके आया उसके कुछ दिन बाद ये कांड हो गया, उसके मेरी घरवाली ने TV में प्रचार देखा कि जो मीडिया दिखा रहा है ये सही है। उसके बाद मेरी घरवाली मेरे से बहुत नाराज़ होगी, उसने मेरे गुरु महाराज की फ़ोटो फाड़ दिया, मेरा जो नामदान का फार्म था वो भी फाड़ दिया। कम से कम 2 महीने मेरे घर में बहुत कलेश रहा और मेरे को जूना हराम कर दिया
आसपास के जो मेरे साथी थे राधा स्वामी थे, वो भी आके मेरी घरवाली को भड़काते थे कि ये तो राधा स्वामी का सत्संग करता था, ये कैसे गुरु की शरण के पीछे लगे, देखो टीवी में क्या हो रहा वहाँ पे क्या हो रहा। उसके बाद फिर मैंने गुरु महाराज की प्रार्थना की कि महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ये तुच्छ जीव हैं, संसार के जीव हैं, इनको बुद्धि नहीं है, आप इनको समत दो। तो हौली हौली मेरे घर में 2 महीने में मेरे घर का जो माहौल था बिल्कुल शांत हो गया। अब मैं घर में 3 टाइम का अपना नित्यनेम भी करता हूँ, घर वाली भी वहाँ बैठ के हमारे गुरु महाराज जी का साधना चैनल पर सत्संग आता है। हालांकि उसने अभी नाम दान नहीं लिया, लेकिन अभी मेरे घर में कोई विरोधता नहीं, और आराम से हम बैठ के मैं भक्ति करता हूँ और गुरु महाराज जी का सत्संग करता हूँ, घर का माहौल है बिल्कुल। 2 महीने के बाद ही गुरु महाराज जी ने घर का माहौल जो है बिल्कुल शांत कर दिया, स्वच्छ कर दिया। अब मेरे बच्चे भी मेरा बड़ा आदर करते, नहीं तो सारा घर वाले विरोध करने लग गए थे। अब गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है और मैं गुरु महाराज जी का शुक्र गुजार हूँ कि उनकी दया से मैं उनकी भक्ति में लगा हूँ जी। सर, सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, जिनमें से पहला नियम है नशा त्यागना। लेकिन पंजाब जैसे राज्य में नशा के आदि लोग बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग नशा छोड़ना चाहते भी हैं लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन सर, एक तरफ देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों की संख्या इन दिनों यहाँ पे भी काफ़ी बढ़ी है, तो सर संत रामपाल जी महाराज जी आखिर ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं कि लोग नशे जैसी बुरी आदत को भी छोड़ देते हैं? सर, ये ऐसे है कि जैसे आप गुरु महाराज जी जितने भी आज शास्त्र हैं, गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान है, गीता है, चारों वेद हैं, इनके अनुसार शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। और ये भक्ति बताते हैं कि अगर आपने कोई भी भक्ति करनी है तो इसमें कोई भी नशा आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर हम नशा करेंगे तो नशा करते करते हम भक्ति नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज की भक्ति ऐसी है, जैसे ही हम सिमरन करते हैं और ये नशे जो हैं ऑटोमेटिकली छूटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज का जो सिमरन है प्रथम नाम पान जो गुरु महाराज सिमरन देते हैं, उस सिमरन में इतनी जब अगर आप कमाई करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसा ही अनुभव होने लग जाएगा कि नशे तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, हौली हौली ऑटोमेटिकली ये नशे छूटते जाएंगे। जबकि गवर्नमेंट ने जोर ला लिया, गवर्नमेंट अपने पैसे के जोर से नशा जो लोगों को छुड़ाना चाहती है, लेकिन ये अध्यात्मक मार्ग है। गुरु संत रामपाल जी महाराज अध्यात्मक मार्ग ऐसी भक्ति देते हैं कि ऑलरेडी जो नशा है जो ऑटोमेटिकली जी भी इसको छोड़ देता है। सर ऐसे है कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उनकी जो वचन है वो वचन में शक्ति है। जैसे कि प्रधानमंत्री है, वहाँ बैठे ही जो वचन बोल देता है उसकी वचन में शक्ति है, जो वचन बोलता है ऑटोमेटिकली वो काम दूसरे दिन ही शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो परमात्मा के संत होते हैं, हम तो परमात्मा ही कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, क्योंकि हमारे को ये परमात्मा ही नज़र आते हैं, इंसान नहीं है ये, तो इंसान के रूप में परमात्मा ही आए हुए हैं। इनके वचन में शक्ति है और इनका जो वचन है अध्यात्म का वचन है, इनके वचन द्वारा ही जो भक्ति करेगा, जो इनसे सिमरन लेके भक्ति करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो नशे जो छूटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वाणी में भी लिखा है सूरापान मद मांसाहारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटम है शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। इस करके गुरु महाराज ने भी कहा अमल हारी आत्मा करे ना हो व्यापार, ये भी लिखा कि गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा कि जो कोई भी नशा करता है जैसे बीड़ी सिगरेट तम्बाकू है, इस नशे को प्रयोग करेगा तो ये अगर असंख्य जन्म भी भक्ति करता रहे तब ये इंसान जो जीव है यहाँ से पार नहीं हो सकता। सर संत रामपाल जी महाराज जी अन्य संतों के बारे में निंदा करते हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो निंदा नहीं करते हैं। जैसे देखो एक टीचर है जो एक विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, वो टीचर अगर सिलेबस से बाहर की बात बताएगा हर जो उसके सिलेबस में नहीं है, अगर वो टीचर विद्यार्थी को सिलेबस के बाहर की बात बताएगा तो ठीक नहीं है। अगर कोई दूसरा टीचर उसको आगे कहेगा कि भाई ये तो सिलेबस के बीच ही नहीं है, इसके सिलेबस के अंदर ही नहीं है, तो आप इसको क्या पढ़ा रहे हो, यही ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज हैं ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं, हर जो प्रमाणिक भक्ति है इसमें हर चीज़ का प्रमाण है। जो संत रामपाल जी महाराज का एक भी वचन है बिना प्रमाण से नहीं है, बाकी जो संत हैं उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, वो शास्त्र अनुसार भक्ति देते हैं, वो किसी की निंदा नहीं करते। जैसे एक नकली नोट होता है एक असली नोट होता है,
अगर कोई नकली नोट वाले को बोले कि ये नकली निंदा कर रहा है, ये नकली नोट की पहचान गलत बता रहा है, ऐसा नहीं है सर। ऐसा ये है कि नकली और असली की पहचान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये जो भगवत भक्ति जो बाकी संत देते हैं ये डुप्लीकेट भक्ति है, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति है प्रमाण भक्ति है और वेदों के अनुसार भक्ति है सर, शास्त्रों के अनुसार भक्ति है सर। सर गुरु ग्रंथ साहिब में एक प्रकरण आता है, एक वाणी आती है, सोए गुरु पूरा कहावे जो दो अखर का भेद बतावे। सर तो क्या संत रामपाल जी महाराज उन्हीं दो अखरों का भेद बताते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वही दो अखरों का भेद बताते हैं, क्योंकि इसका प्रमाण हमने जन्म साखी में गुरु महाराज जी बताते, फिर मैंने जन्म साखी ले आके पढ़ी। जन्म साखी में जो समुंदर की साखी है उसमें जो जिस टाइम ये बाला मर्दाना ने गुरु नानक देव जी को बोला कि हमने जो लंका नहीं देखी, हम लंका देखना चाहते हैं, तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि चले आँखा मिटो हर यहाँ बैठो। जैसे उन्होंने आँखें बंद करी तो समुंदर के किनारे खड़े दिखाई दिए, हर जैसे ही समुंदर आगे आगे गुरु नानक देव जी चल रहे थे, पीछे पीछे बाला मर्दाना चल रहे थे। गुरु नानक देव जी जो गुरु महाराज जी हमारे को दो अक्षर का ये नाम बताते हैं, वही नाम जो है गुरु नानक देव जी जप रहे थे, इसका जन्म साखी में प्रमाण है। उसके बाद दो बाले को बोला, मर्दाना को बोला कि तू वहगुरु जप। जब मर्दाना ने देखा कि गुरु नानक देव जी तो दो अक्षर का नाम जप रहे हैं, मेरे को वहगुरु बोलने के लिए बोल रहे, तो मर्दाना भी जो था वही जो गुरु नानक देव जी दो अक्षर का नाम जप रहे थे, मर्दाना भी वही जपने लगा। जैसे ही मर्दाना जपने लगा तो मर्दाना डूबने लगा, तो गुरु नानक देव जी ने पीछे मुड़ के देखा कि मर्दाना तो गोते खा रहा, तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को बोला कि मर्दाना गुरु जो कह रहा है उसके ऊपर आपको वचन कर अमल करना चाहिए, तो वहगुरु ही बोल। जैसे ही मर्दाना वहगुरु बोलने लगा तो उसके समुंदर के ऊपर ऐसे तुरने लगा जैसे जमीन के ऊपर तुरते हैं, ये सर जन्म साखी के बीच प्रमाण है। उसके बाद प्राण संगली जो गुरु नानक देव जी की बाणी है उस प्राण संगली के बीच भी ये दो अक्षर का जो नाम है इसका प्रमाण है, यही दो अक्षर जो गुरु संत रामपाल जी महाराज ने हम सबको जपने के लिए बताए हैं सर। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज है ये शास्त्रों के अनुकूल प्रमाणित भक्ति देते हैं, इसलिए मैं सभी को मेरे जो भाई हैं बहन हैं खास करके जो राधा स्वामी मत है उसमें जो अभी मेरे बहन भाई फंसे हुए हूँ उनको मैं हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूँ कि मैं 27 साल वहाँ पर गया हूँ, 27 साल वहाँ पर गया हूँ और 10 साल मैंने उनके सत्संग भी किए हैं। वहाँ पर सर कोई भक्ति नहीं है, काल की भक्ति है। मैं सभी अपने बहन भाई जो राधा स्वामी मत में अभी भी उनसे जुड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि जैसे मैंने 27 साल अपनी ज़िंदगी की बर्बाद कर दी, अब वो मैं 27 साल को पछता रहा हूँ कि मेरे जो 27 साल थे बिल्कुल निसफल हो गए, उनका कोई मतलब नहीं था, जैसे भक्ति मैंने करी जैसे नहीं करी, क्योंकि वो भक्ति जो है काल की भक्ति है, काल के नाम है, उनका सभी का प्रमाण है, कबीर साहब की वाणी में प्रमाण है कि वो काल के नाम है। उसके बाद तुलसीदास हाथरस वाले हैं उन्होंने भी साफ लिखा है कि पांचों नाम काल के जानूं। इस करके मैं सभी को निम्रता सहित बेनती करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पर सत्संग आता है 7:40 से 8:40 तक शाम को, उस सत्संग को सुने और गुरु महाराज की ज्ञान गंगा किताब जो है उसको पढ़ो। वो ज्ञान गंगा किताब मंगवाने के लिए जैसे ही गुरु महाराज जी का सत्संग आता है उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, उन फ़ोन नंबरों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जिसने भी भक्त ने गुरु महाराज जी का संत रामपाल जी का नामदान की दीक्षा प्राप्त करनी है वो नामदान की दीक्षा के लिए भी उन्हीं नंबरों से आप संपर्क कर सकते हो। गुरु महाराज जी के आदेश के अनुसार पूरे ऑल इंडिया मैं तो पूरे वर्ल्ड के बीच ही कहूँगा कि नामदान सत्र जो खोले जा चुके हैं, हर इस मौके का जल्दी से जल्दी फायदा उठा लो, नहीं तो ये समा हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि कबीर साहब महाराज ने लिखा है कबीर मानस जन्म दुर्लंभ है होए ना बारंबार, ज्यों बन फल फंक भोएंगे रे बौर ना लागे डर। जैसे एक बार जमीन दरख्त से फल टूट के नीचे गिर गया कितना भी आप जतन करो वो फल है जो दोबारा दरख्त के साथ नहीं लग सकता, ऐसे ही अगर ये इंसान का जन्म एक बार हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कबीर साहब की वाणी है कहता हूँ कह जात हूँ कहूँ बजाकर ढोल स्वासा खाली जात है तीन लोग का मोल,
कि अपने हमारे श्वास की इतनी कीमत है, चाहे एक पास से तीन लोक रख जो हर एक एक भी एक एक भी श्वास जब हमारा आखिरी टाइम आएगा, कोई कितना ही यत्न कर ले, एक श्वास भी हमारे को जो मांगा हुआ नहीं मिलेगा। इस करके मैं सभी भक्त समाज को, अपने भाई बहनों को बेनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, कि जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझो और जल्दी से जल्दी इनसे नाम दीक्षा लेके अपने जीवन को, इस जन्म मरण के चक्कर को हमेशा के लिए समाप्त करके सतलोक चले जाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर विवादों में रहते हैं, सर इसका क्या कारण है? सर ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो सच्चाई बताते हैं, क्योंकि सच को जो है उबारने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। आप पिछला इतिहास देख पढ़ के देख लो, जैसे गुरु नानक देव जी हुए, दसे गुरु हुए, सबको जो संघर्ष करना पड़ा है, संघर्ष करने के पड़ी, क्योंकि सच को उबारने के लिए जो टाइम लगता है, जो झूठ है झूठ तो जल्दी फैल जाता है, झूठ को फैलाने में टाइम नहीं लगता, जो सच्चाई है ये थोड़ा देर से फैलती है। और जैसे ये सच्चाई है, सच्चाई को मिटाया कभी नहीं जा सकता, इसको कुछ दिन के लिए दबाया जा सकता है। जय अभी ये सच्चाई सामने आ रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज विवादों में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो सच बताते हैं और सच्ची भक्ति बताते हैं। बाकी लोगों को ये ऐसे लग रहा है कि निंदा करते हैं, निंदा नहीं करते, वो असली और नकली की पहचान बताते हैं और सच्चाई बताते हैं, और इस सच्चाई को सुन के इसी का कारण है, ये है कि संत रामपाल जी लोग कहते हैं जेल में, हमारे लिए जेल में नहीं है, उनके अकॉर्डिंग लोगों के अनुसार जेल में होते हुए भी देखो अभी 1.5 साल के करीबन 4-5 लाख जो लोग हैं गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, और जो लाभ पहले भक्तों को होते जो सतलोक आसन बरवाड़ा में जाते थे उस टाइम जो लोगों को लाभ होते थे, अभी भी वही लाभ मिल रहे हैं। हालांकि गुरु महाराज जी लोग कहते हैं कि जेल में, लेकिन जेल में होते हुए भी लाखों भक्तों को संत रामपाल जी महाराज जो दर्शन देते हैं, उनको हम इंसान नहीं, हम उनको परमात्मा ही जानते हैं, कि परमात्मा स्वरूप। मैं तो ये बोलूँगा कि कबीर साहब ही खुद अपना दूसरा रूप बना के आए हुए हैं, जो कबीर साहब ने जैसे चमत्कार किए हैं वही संत रामपाल जी महाराज जो बिल्कुल सेम एज इट इज अपने भक्तों के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत श्री अकाल।